चैनल अगेन। अभी हम लोग बोना में है, बोना में यहाँ में हम लोगों का जो बुद्धिस्ट धर्म में जब हम लोग का कोई आदमी गुजर जाता है तो हम लोग उसके लिए पूजा करते हैं। तो उसमें हम लोगों का 3 डेज होता है, 7 डेज होता है एंड 14 डेज एंड 21 डेज का ही होता है। तो आज 21 डेज है। तो हम थ्रू दिस वीडियो दिखाने के लिए कोशिश करेगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग का ये जो पूजा और जो ये अभी जो पूजा का जो पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग अब लोग ने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग कुछ झंडा सब लगाता है, तो यहाँ का लोकल में उसे हम लोग फान बोलता है, तो ये लोग डारजोंग ऐसा कहता है इसको। तो हम लोग ये लगाएगा आज, तो दिखाने के लिए कोशिश करेगा कि किस तरीके से हम लोग करता है और कितना ये काम इजी है या मेहनत है आप लोगों को देखने मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू आगे जा रहा है, बाकी लोग पहुँच गया। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका हुआ था अभी यहाँ पर, चलिए पता मिलता है स्पॉट में ना। हाँ, ये जगह के बारे में थोड़ा बताने के लिए कोशिश करेगा कि ये एग्जैक्ट बॉर्डर एरिया है चौथिंग का। आप थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ से मे बी 14-15 किलोमीटर के बाद एक बॉर्डर आता है केपंगला। एंड अगर आप लोग हिस्ट्री में हिस्ट्रिकली देखा जाएगा तो ये जो एक लाइन आता है मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना का बीच में, ये जो लाइन बाउंड्री इधर से गुजरता है। एंड यहाँ का रास्ता भी देख सकते हैं। थ्रू दिस वीडियो में जो हमारे सरकार है उसके मैं दरख्वास्त करता हूँ कि रास्ता को भी थोड़ा अच्छा से बनाए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, रास्ता ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब है यहाँ का, नेटवर्क भी ठीक नहीं है यहाँ पर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बहुत तकलीफ होगा यहाँ पर आने के लिए। रास्ता बहुत खराब है, बहुत है बहुत मेहनत का काम होता है। सीधा ढलान है ये, बहुत ही चढ़ाई है, 15 मिनट से चल रहा है भैया रास्ते में। चलिए आपको डायरेक्ट मिलते हैं जहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है। अभी यहाँ पर बहुत बड़ा वाला लकड़ी को टान रहे हैं, बहुत सारा लोग है यहाँ पर, मेरी 20-30 का अराउंड में लोग होगा जो बड़ा बड़ा लकड़ी टान के बाद नीचे ले जा रहे हैं। बहुत नीचे है रास्ता यहाँ से, आप लोग जैसा पहले देखा कि रास्ता बहुत ही सीधा है ऊपर चढ़ता है, तो वहाँ से नीचे लेके जाना बहुत ही तकलीफ है। अगर गलती से भी ये लकड़ी जो निकल गया हाथ से, रस्सी से छूट गया तो किसी को भी हिट कर सकता है, इसलिए बहुत ही संभाल कर हम लोग इसको ले जा रहे हैं। आप लोग आगे भी देखिए, आगे भी है बहुत बड़ा बड़ा लकड़ी, और ऐसा दो लकड़ी है यहाँ पर हम लोग के लिए अभी, जिसको हम लोग अभी उठा के लेके जाना है बाद में। अभी झंडा के लिए लकड़ी को टान रहा है, बहुत बड़ा है, मैं भी 20-30 लोग है इसको टान रहे, अकेला जंगलों के बीच से टान के ले जा रहे रास्ता बनाकर। ट्रक आया, ट्रक से हम लोग जो लकड़ी है उसको खींचने के लिए कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लकड़ी कितना बड़ा होगा। ये जंगलों के बीच से लेके आया हम लोग लकड़ी को टान कर काट के। अभी हम लोग मेन रास्ता में है तो एक ट्रक मिला है, तो ट्रक को टान नहीं दे रहा है लकड़ी को, टोटल दो लकड़ी है। लकड़ी का छिलका को उतर रहा है, उतरना जरूरी होता है लकड़ी जब लगाता है, तो वो सब तो बम्बू का है, मुझे लकड़ी का है। ये झंडा को लगाया जा रहा है, उसको फहराया जा रहा है,
देखो इतना आदमी है तो आप लोग को आइडिया होगा, आइडिया हो ही रहा होगा कि कितना भरा है ये जो लकड़ी है। वो जितना ना खत्म बाकी जीने के लिए लास्ट का उन्होंने वो रास्ता रुको एक तो जाना पड़ेगा। नहीं 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 सेब ना आ जाएगा तो कुछ था ऐसा करो। फाइनली खड़ा हो गया। ये एक लकड़ी को खड़ा करने में हम लोगों को मैक्सिमम 45 मिनट्स का कुछ समय लगा है, उससे भी ज़्यादा लगा भी होगा शायद। आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा है ये, इतना छोटा सा लकड़ी भी नहीं है, बहुत ही बड़ा लकड़ी है। इसको इतना मिलके लोग पकड़ के खड़ा कर रहे हैं।